अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। आज जिस सेलिब्रिटी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से है, पाकिस्तान के जितने चैनल्स हैं टीवी इंडस्ट्री से है, और इन्होंने बड़ा काम किया, इनकी फैमिली ने बहुत काम किया, और तो फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त ये इन हैं, टेलीविज़न इंडस्ट्री में इन हैं, और मुतअद्दिद फिल्मों और मुतअद्दिद ड्रामा सीरियल में ये काम कर रही हैं, और सीनियर अदाकारा हैं, और उनका नाम है राहिला आहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे थोड़ा सा अपने इब्तदाई करियर के बारे में बताएं, वो कि आपने 87 के बाद की फिल्मों से अपना सफ़र स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले का बताएं कि ये किस तरह से शौक पैदा हुआ, और आपकी फैमिली के कौन कौन लोग फिल्म या टेलीविज़न से जुड़े। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। सबसे पहले मेरी वालिदा फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, यही सपोर्टिंग रोल में, मदर के किरदार में। उनकी सबसे अच्छी फिल्म थी कौन किसी का, जिसमें मदर का रोल किया उन्होंने, तलत सदीकी साहिबा की, वालदा का रोल। उसके बाद उनकी घुंघरू फिल्म, फिर मौज मेला, बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने की। बस उन्हीं को देख देख के शौक पैदा हो गया। अबू आगा इकबाल मेरे वालिद साहब का नाम है, पठान थे, पर्शियन अल्हम्दुलिल्लाह। और वालदा मेरी का नाम अफशा बेगम, तो अमृतसर से ताल्लुक़ रखती थी। तो वालिद साहब ने भी बेपनाह पश्तो फिल्में की वालिद के रोल में, तो ये स्टार्ट ही वालिद और वालदा की तरफ से ये मिला। लेकिन मुझसे पहले मेरी बहन अनिला आगा और मास्टर गुड्डू चाइल्ड स्टार में ये दोनों काम करते थे। बहुत सी इनकी बेपनाह फिल्में, यूसुफ खान साहब के बचपन में, अंजुमन बेगम के बचपन में मेरी बहन ने काम किया, और इंडिपेंडेंट रोल भी किए अमानत फिल्म में चाइल्ड स्टार। फिर उसके बाद उनकी हथकड़ी, हथकड़ी फिल्म का नाम था। अनिला आगा इस वक्त भी काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी वो काम कर रही हैं, लेकिन अभी वो मदर के रोल में कर रही हैं। फिर उसके बाद भाई, मेरा छोटा भाई मास्टर गुड्डू, उन्होंने राय साहब के बचपन में बहुत सी की, यूसुफ खान साहब के बचपन में बहुत सी फिल्में की, अथरा, फिर अथरा पुत्र, फिर चढ़दा सूरज, और सबसे हिट उनकी जो फिल्म हुई थी वो थी रुस्तमते खान। उसके बाद दुबई चलो, बेपनाह ऐसी फिल्में जिनमें उन्होंने काम किया। बस शायद वहीं से ये शौक़ चलता आ रहा है। और उनके बाद 80 से मैंने काम करना शुरू किया। मैंने स्टार्ट लिया टीवी इंडस्ट्री से। मैंने उस वक्त अलिफ लैला ड्रामे बना करते थे, बच्चों के सीरियल, उसमें रूही जाज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थी, तो उनकी डायरेक्शन में काम किया। चांद परी, कुएं का जिन, बहुत से ऐसे मुख्तलिफ एपिसोड थे। फिर जेल ड्रामा था, फिर जाल ड्रामा था, फिर दौस जमाल साहब के पेयर में काम किया। फिर उसके बाद स्टेज पे आ गई, स्टेज पे भी मेन रोल किए। स्टेज पे लाने वाले मुझे तारिक जावेद भाई, बहुत नाम है उनका, अल्लाह उनको करीब के रहमत अता फरमाए, वो मुझे लेके आए। तो उनका सबसे पहला ड्रामा मैंने किया बशीरा इन ट्रबल। बशीरा इन ट्रबल में मुखो जट्टी का रोल किया, और फिर बस मुखो जट्टी हिट हो गई। हर फिल्म में जट्टी के किरदार में मैं ही होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे परवरदिगार का ख़ास करम है कि अल्लाह ने बेपनाह इज़्ज़त से नवाजा। और उसी दौरान 86 में मैं इंडस्ट्री में दाखिल हो गई, फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं आई तो सबसे पहली मैंने फिल्म जो साइन की वो थी शहजादी फिल्म। उसमें मेरे पेयर में असद भट्ट साहब थे, जो बाद में मेरे मियाँ भी बने, मतलब हकीकी ज़िंदगी में मेरे शौहर। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह उनको गरीब की रहमत अता फरमाए। तो उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इंडस्ट्री में काम करूं और एक नाम पैदा करूं। बस उन्हीं की दुआएं और सारी स्ट्रगल मेरे साथ। बहरहाल उनके साथ वो शहजादी फिल्म में पेयर में किया। फिर उसी दौरान आग और सुहाग, नसीब राचा साहब की फिल्म थी, उस वक्त बहुत ट्रेंड था उर्दू पश्तो फिल्मों का जी। और नई कास्ट पर बहुत सी फिल्में बना करती थी, तो इस तरह से वो फिल्में की। फिर मुझे जान मोहम्मद जुम्मन साहब ने ऑफ़र की फिल्म चोरों का बादशाह, उसमें भी पेयर में, फर्स्ट पेयर में काम किया। और मेरे मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अली शेखी साहब थे, और बड़ी सुपर हिट फिल्म थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने उस फिल्म से बहुत इज्जत दी। लेकिन उस फिल्म के दौरान ही मैंने शादी कर ली,
और जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ हुई उस दिन मैं इटली चली गई अपने मियाँ के साथ इंडस्ट्री को खैर बात कह के। अगर जिंदगी में कुछ बनने की ख्वाहिश है तो मुझसे मिलो, मेरा नाम रक्षी है। फिर सन 2000 में हमारी वापसी हुई एज एन प्रोड्यूसर, मतलब मेरे मियाँ वहाँ से आए और आके उन्होंने दो फिल्में प्रोड्यूस की। सबसे पहली फिल्म की ओपनिंग की सैयद नूर साहब के साथ मिलके, टिक्का मथेदा, लेकिन वो कुछ वजूहात ऐसी बनी कि वो अंडर प्रोडक्शन ही रह गई, रिलीज़ नहीं हो पाई। तो लेकिन उसके म्यूज़िक सारा मुकम्मल है और उसके गाने वाने, एक गाना भी पिक्चराइज हुआ, कास्ट भी बहुत अच्छी थी। फिर उसी दौरान हमने परवेज़ राणा भाई, अल्लाह उनको गरीब की रहमत अता फरमाए, बाकमाल डायरेक्टर, और मुझे इंडस्ट्री में लाने की उन्होंने पहल की। तो हमारी एक फिल्म स्टार्ट ओपनिंग हुई माखा जट से, तो माखा जट के दौरान ही उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप अपने मियाँ के पेयर में काम करें। तो लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, तो पता नहीं होगी लोगों की ऐसी थिंकिंग, लेकिन मैंने ये सोचा कि जब मैं माँ हूँ तो शायद मैं बेहतर माँ के किरदार ही अदा कर सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं हीरोइन का रोल करूँ और कोई गाने वाने पिक्चराइज करवाऊँ। तो शादी के बाद तो ये बिल्कुल भी, मतलब ये लाइकिंग नहीं रही मेरी, मुझे ये माँ के रोल के किरदार पसंद थे। लेकिन देखा करती थी नैयर सुल्ताना बेगम को, सलमा मुमताज़ बेगम को, सभी आपा मेरी फेवरेट हैं, और नगमा आपा हीरोइनों में से, मतलब बहुत सी ऐसी हीरोइनें हमारी, आलिया बेगम हो गई, मतलब ये जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और इंस्पायर थी इनसे बहुत ज़्यादा। आपने तकरीबन तमाम ही डायरेक्टर्स के साथ काम किया, आपने सैयद नूर साहब के साथ काम किया, मसूद भट्ट साहब हैं जी, जी। परवेज राणा और दीगर, संगीता आपा। तो आपको क्या लगता है इन सब के जो काम में क्या फ़र्क नज़र आता है, आपको किस में ज़्यादा आपको कन्वीनियंट लगता था कि जी उनके साथ काम करके आपको बड़ा फ्लेक्सिबल महसूस करती थी आप? हमारी इंडस्ट्री के जितने भी डायरेक्टर हैं ना, सबके अपने अपने रंग हैं और सबका अपना अपना अंदाज़ है। आप यकीन माने कि शायद आप मेरी बात से इत्तफाक करें, मतलब परवेज़ राणा साहब हैं, उनमें पंजाब का रंग बहुत ज़्यादा है। मुझे ये अक्खड़पन उनसे देखने को मिला, उनसे सीखने को मिला, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सिखाया और मुझे समझाया भी, मतलब चाल ढाल और अकड़ तकड़, ये सब ये परवेज़ राणा साहब का उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे ये सिखाया। उसके बाद सूदी भट्ट साहब हैं, और सूदी भट्ट साहब का एक अपना रंग है, मतलब जितनी उनकी फिल्में हैं वो मैंने की, तो उनका एक अपना रंग है कि एक माँ है, उसमें रोने धोने वाले रोल हैं, लेकिन वो साथ डबल शेड माँ है, मतलब उनकी डायरेक्शन का एक अपना अंदाज़ है। संगीता आप ही हैं, वो चैलेंजिंग रोल उनकी फिल्म में अक्सर मैंने किए। नूर साहब हैं, उन्होंने तो बाकमाल किरदार मुझसे करवाया वोटिला के जानिया में, जो आज भी यादगार है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका एक अपना रंग है। तो सब अपनी अपनी जगह पे बाकमाल नगीने हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इन सब के साथ काम किया, परवेज़ कलीम साहब के साथ भी पहला सजदा में काम किया, हसन अस्करी साहब के साथ काम किया वरियाम फिल्म में, वो भी बड़ा बाकमाल किरदार था, और बहुत सी उनके साथ फिल्में की। फिर इकबाल कश्मीरी साहब, तो उनका एक अपना अंग था, एक अपना रंग था, तो इन सब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरी जितनी ख्वाहिशें थी वो पूरी हो गई कि बड़े मुख्तलिफ रोल और बड़े चैलेंजिंग रोल इन्होंने मुझसे करवाए सभी डायरेक्टर्स ने। सैयद नूर साहब की मुतअद्दिद फिल्मों में मैंने देखा ये कि जी जिस तरह से चूड़िया में बहार बेगम उसमें वो माँ बनी, या दीगर फिल्मों में उन दिनों सुल्तान रही की वो माँ भी बनती थी पहले, उसके बाद शान की, तो फिर अचानक आपको उन्होंने कास्ट करना शुरू कर दिया सैयद नूर साहब ने एक दो फिल्मों में। तो अब ये मैंने आपसे ये कन्फर्म करना है, उसमें थोड़ा बहुत सुधा ये है कि जी बहार बेगम कुछ नाराज़ भी हुई थी कि जी मैं एक माँ का किरदार करती हूँ, तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप रिप्लेसमेंट हैं बहार बेगम की, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या बात है और ये डिस्कस होती है।
मुझे हैरानगी होती है इन लोगों पे जो ये सवालात करते हैं कि फलां फलां की रिप्लेसमेंट है, फलां फलां की रिप्लेसमेंट है। हर इंसान की अपनी एक जगह है, अपना एक मुकाम है जो वो बनाता है, और उसके पीछे उसकी कितनी स्ट्रगल होती है उसको कोई क्यों नहीं देखता। अब देखें, एक वक्त था जब मैं बच्ची थी, फिर एक वक्त आया जब मैं लड़की बनी, फिर एक वक्त आया जब मैं औरत बनी, किसी की बीवी बनी, फिर एक वक्त आया जब मैं माँ बनी, फिर मैं दादी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दादी भी हूँ। तो क्या ये रिप्लेसमेंट थी? नहीं, ये दौर दर दौर ज़िंदगी है। इस हकीकत को झुटलाना नहीं चाहिए। और जो बहार बेगम की जगह है वो बहार बेगम की जगह है, और अगर वो ये सोचती हैं या वो ये समझती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी उनकी सोच होगी। ये सिर्फ इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो इस तरह की बातें बनाते हैं। Exactly. वो हमारी सीनियर हैं बहार आपा, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और आप यकीन करें कि वो मेरी फेवरेट आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा मैं उनको पसंद करती हूँ। जिस तरह नगमा आपा है, बहार आपा है, फिर आलिया बेगम है, मतलब बहुत सी हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो ये तो खुशकिस्मत लेडीज़ हैं जिन्होंने इतने बाकमाल डायरेक्टर्स के साथ काम किया। आज हम इनको देख के तो रश्क महसूस करते हैं कि इनकी इतनी इतनी हिट फिल्में हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे मैं नहीं सोचती। आज अगर मैं हूँ तो मेरे बाद भी तो कोई है। ये ज़िंदगी का सच है, ज़िंदगी की हकीकत है, और ये किसी की रिप्लेसमेंट नहीं होती। कोई किसी की जगह पुर नहीं कर सकता। वो रईस साहब की माँ थी, मैं शान की माँ हूँ। अच्छा, इस वक्त जो ड्रामे आपके अंडर प्रोडक्शन हैं और जो सीरियल्स हैं, वो कौन कौन से डायरेक्टर के साथ आप इस वक्त काम कर रही हैं? अभी तो बहुत से प्ले चल रहे हैं जो अंडर प्रोडक्शन ही हैं, जिनकी अभी शूट चल रही हैं और जो अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाए, जिनमें सर फहरिस्त हमारे आसिफ भाई हैं, मैं तो उनको भाई बोलती हूँ, आसिफ साहब हैं। सरगोधा में हमारी प्रोडक्शन चल रही है, फिर उसके बाद कराची में हमारी चल रही है, तो इसी तरह से लाहौर में फैसल साहब हैं, फैसल बुखारी साहब हैं, उनके भी चल रहे हैं। तो काम तो इस तरह चल रहा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची की कौन सी फिल्में इस वक्त आप कर रही हैं, और जिस तरह आप द लेजेंड ऑफ मौला जट में अहम किरदार अदा कर रही हैं, तो कराची की कोई फिल्म ऐसी है जिसमें आप काम कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ARY प्रोडक्शन की फिल्म है टिच बटर। तो आप उसके अंदर क्या आपका किरदार है उसमें? मेरा रोल बड़ा मज़े का है। मेरे मद्दे मुकाबल हैं कवि खान साहब, और उनकी वाइफ का रोल है, और ये सिखनी है, और सिखनी से मुसलमान हुई है, इश्क की शादी है। बस थोड़ा सा ही, बस ये इतना बताऊँ। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सबने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। फरहान सईद हैं और साथ हैं हमारे ईमान अली हैं, जी हाँ, सोनिया हैं, शरोज़ हैं, बहुत सारी कास्ट है हमारे, और डायरेक्टर कासिम मुरीद साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, बड़ा कमाल का काम किया उन्होंने। मतलब हर करेक्टर को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने लेके वो साथ चले, सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पब्लिक को बहुत पसंद आएगा, और बड़ी मज़े की फिल्म है। ये शूट कराची में ही हुई है या पाकिस्तान में किसी और शहर में भी इसको शूट किया है? बहुत से शहरों में हुई है, जैसे ननकाना साहब में हमने बहुत काम किया है, क्योंकि वो उसमें सिख का किरदार, सिखनी का रोल है मेरा, तो इसलिए ननकाना साहब में बहुत से मतलब सीन्स हमने पिक्चराइज किए, बड़ी खूबसूरत हवेली थी वो। और उसके अलावा भी मतलब हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे। अभी ये मुरीद के में एक हवेली है, लाल हवेली के नाम से, वहाँ पे भी हमने शूट किया। स्टेज, टेलीविज़न और फिल्म, ये तीनों और रेडियो, रेडियो, ये चारों मीडियम आपने किए, तो कौन सा मीडियम आपको ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा बेहतर है और आपकी उसमें ज़्यादा प्रोजेक्शन हुई है? अब देखिए, सीखने को तो हर जगह से बहुत कुछ मिला, लेकिन स्टेज से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस है, और वहाँ पे आपको मतलब एक लम्हे में आपको पता चल जाता है कि आप परफॉर्म सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि जिसने स्टेज कर लिया और उसने वहाँ पे, अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दे दी वहाँ पे, तो शायद और कुछ इतना मुश्किल नहीं है।
इस वक्त पंजाबी फिल्में दोबारा से बननी शुरू हुई हैं और द लेजेंड ऑफ माला जट का हर जगह चर्चा है और हर जगह उसका जिक्र होता है। तो लेजेंड ऑफ माला जट के साथ साथ सैयद नूर साहब की भी एक फिल्म है और परवेज़ कलीम साहब की एक फिल्म है। ये जो फिल्म है पंजाबी सिनेमा है, ये दोबारा से रिवाइव हो रहा है? बेशक हो रहा है और सभी कोशिश कर रहे हैं, जैसे बिलाल निशानी साहब ने कोशिश की लेजेंड ऑफ माला जट बना के, करोड़ों का बजट है माशाल्लाह, और आर्टिस्टों ने भी बहुत दिल लगा के काम किया, बल्कि मायरा ने तो 6 माह पंजाबी सीखने में लगाए, मतलब इतनी लगन और इतनी मेहनत के साथ। फिर फवाद हैं, उन्होंने बहुत अपना फिगर पंजाब के रंग में अपने आप को ढाला और बड़ा एक्सेंट उनका बहुत अच्छा है। हमजा हैं, हमजा अब्बासी। द लेजेंड ऑफ माला जट एक मेगा बजट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अब तक की फिल्म है और आप लेजेंड ऑफ माला जट का हिस्सा हैं। आपको प्राउड महसूस होता है? आपको लगता है कि ये एक बड़ी फिल्म में काम करके जो है वो ज़्यादा प्रोजेक्शन मिल रहा है और ज़्यादा जिक्र हो रहा है उसका, आपको खुशी होती है? खुशी मुझे बहुत ज़्यादा होती है और प्राउड में हर फिल्म में काम करके होता है मुझे, इसलिए कि जो सबसे लो बजट की फिल्म है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी माँ का रोल कर रही हूँ मैं, उसमें भी काम कर रही हूँ, और अगर वो भी हिट होगी तो वो भी मुझे उसी तरह से खुशी हासिल होगी और उसी तरह ही फ़ख्र होगा जिस तरह लेजेंड ऑफ माला जट। लेकिन बहुत सी दुआएं हैं हमारी कि जितनी नई फिल्में आ रही अल्लाह पाक इन सबको कामयाब करे, आमीन, क्योंकि इनकी कामयाबी के पीछे बहुत सी कामयाबियाँ हैं, बहुत से लोगों के रिस्क चलते हैं हमारी इंडस्ट्री को, मतलब आज अगर कोई ये कहता है कि इंडस्ट्री में काम नहीं हो रहा तो मुझे हैरानगी होती है कि इंडस्ट्री में तो हर जगह पे काम हो रहा है। मतलब अभी हमारी अंडर प्रोडक्शन मेरा ख्याल को 5-6 फिल्में हैं जिनकी शूट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है काम, लेकिन इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने वज़ीर आज़म साहब को भी और दूसरी हमारी जितनी पावर्स हैं उनको भी कि थोड़ा सा जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हजरात हैं, उनके साथ थोड़ी सी रियायत की जाए ताकि वो इंडस्ट्री में आएं, फिल्में बनाएं और फिल्में लगें। और सिनेमास पे बहुत ज़्यादा गौर होना चाहिए, जिन कैमरों पे फिल्में बन रही हैं वो प्रोजेक्टर सिनेमास में नहीं है, जिनका रिज़ल्ट नहीं पब्लिक को मिलता, पब्लिक सिनेमे में नहीं आती, तो इसलिए सिनेमा वालों को भी चाहिए कि वो अपने सिनेमास पे गौर करें और हुकूमत को भी चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री पे भी सिनेमा पे तवज्जो दें। द लेजेंड ऑफ माला जट के बारे में ही एक और सवाल है कि जी आप बिलाल लाशारी जो एक बहुत ज़हीन और नौजवान डायरेक्टर हैं, उनकी एक फिल्म वॉर हिट हो चुकी है, तो ये किस तरह हुआ कि आपको किस तरह अप्रोच किया गया द लेजेंड ऑफ माला जट के लिए, क्योंकि बेनतहा लोग मौजूद थे, कराची की बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन सब के बीच में बिलाल लाशारी ने या उनकी जो प्रोड्यूसर हैं अमारा हिकमत ने आपको उस रोल के लिए चुना? अभी मेरी गुड लक देख लें कि अल्लाह पाक ने, मेरी गुड लक है ये मेरी कि उन्होंने मुझे साइन किया। मतलब एक ही हमारी मीटिंग हुई, मैं कराची में शूट कर रही थी घड़ी दो घड़ी की, तो बिलाल साहब का फ़ोन मुझे गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपा हम आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो फिल्में तो उन्होंने बहुत सारी मेरी देखी हुई थी, मुख्तलिफ रोल्स भी देखे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये सोचा है कि मैं आपसे ये रोल करवाऊँ जी। बहुत खूब। फिर उसके बाद नासिर अदीब साहब ने लिखी है ये फिल्म जी जी, और माशाल्लाह उन्होंने सीन्स जब मैंने किए हैं तो फवाद के और मेरे सीन थे, तो आप यकीन करें कि जितनी पब्लिक खड़ी हुई थी सब रो रहे थे, इतनी खूबसूरत उन्होंने लाइनें लिखी थी। तो ये आप बिलाल ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया मुझे। फ्यूचर में अब क्या कौन सी फिल्म अब मजीद आप करने जा रही हैं? कोई पंजाबी फिल्म आप कर रही हैं या उर्दू करने जा रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी सूदी भट्ट साहब की मैं 2 फिल्में कर रही हूँ और बाकी अभी मैं कुछ बताना नहीं चाहती, क्योंकि बाकी भी 5 से 10 फिल्में ऐसी हैं जो मेरी लाइन में हैं, जिनके रोल अभी सुनने हैं मुझे और फिर डिसाइड करना है। सबसे बेहतर काम आपको किस डायरेक्टर का लगा? सैयद नूर साहब हैं, बड़ा डीपली मतलब सोच के और गेटअप में हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं। मतलब अभी जो उनकी भाई वांटेड अभी अंडर प्रोडक्शन है उनकी ये फिल्म, तो उसमें भी मैंने काम किया। कौन सी आपकी आइडियल हीरोइन थी जिसको आप समझती थी कि जी ये परफेक्ट हीरोइन है और आपकी आइडियल हैं, आइकॉन हैं? फिरदौस बेगम। फिरदौस बेगम जी, उनके बाद आलिया बेगम। फिरदौस बेगम ने एज ए हीरोइन जितना भी काम किया ना वो बड़ा डिफरेंट किया,
उनमें एक पंजाब का एक रंग नज़र आता था। कुछ तो माशाल्लाह कदावर बहुत ज़्यादा थी, हसीन बहुत ज़्यादा थी, कुछ उन्होंने रोल बहुत अच्छे अच्छे किए। फिर उसके बाद अगर आप आलिया बेगम की तरफ आए तो आलिया बेगम ने जो बहन का रोल कर दिया है ना, मैं नहीं समझती कि उनके बाद किसी ने इतना अच्छा रोल किया। मुझे ये करेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, जैसे नगमा आपा है, आलिया बेगम है, फिरदौस बेगम है। फिर मुझे मदर के रोल, आप यकीन करें कि मुझे अपनी जवानी में भी मदर के रोल बहुत पसंद थे। सलमा मुमताज़, नैयर सुल्ताना, जीनत बेगम, सबिया खानम, मतलब ये जितनी भी मतलब थी ना, मेरी ये फेवरेट थी, क्योंकि इससे हटके मैं हीरो की शक्ल में परफॉर्मेंस का मार्जिन इसमें ज्यादा होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और उसके बाद हाँ, इकबाल हसन साहब और यूसुफ खान साहब, इकबाल हसन साहब ने अगर विलन किया तो बा कमाल किया, अगर उन्होंने हीरो किया तो बा कमाल किया। उसके बाद अगर यूसुफ खान साहब ने जिद्दी किया तो उन्होंने एक लाइन खींच दी, उनके बाद कोई जिद्दी अच्छा ही नहीं लगा। अब आप क्या समझती हैं कि जी पाकिस्तानी सिनेमा 20-25 फिल्में इस वक्त रेडी हैं, और कोरोना के बाद अब ये ईद पे या ईद से पहले जब ये सिनेमा खुलने जा रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, लाहौर और कराची की फिल्में अब दोबारा से रिवाइवल की तरफ जाएंगी? बेशक, इंशाअल्लाह। मैं अपने रब के हुजूर दुआगू भी हूँ और यकीन भी है अपने रब की ज़ात पे कि इंशाअल्लाह ताला इंडस्ट्री पे फिर वही अरूज आएगा, फिर उसी तरह से इंडस्ट्री चहकेगी, फिर उसी तरह जगह जगह शोज चलेंगी। थैंक यू जी, बेस्ट ऑफ लक। आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, इंशाअल्लाह फिर आपसे इसी तरह की कोई नशिस्त होगी। थैंक यू सो मच।